संभल के थाना बनिया ठेर पुलिस कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे शातिर बदमाश सुनील को गिरफ्तार कर थाने ला रही थी। जीप में थाने के दरोगा प्रमोद और कई पुलिस कर्मी मौजूद थे। अचानक बदमाश सुनील ने दरोगा प्रमोद की पिस्तौल छीन ली और जीप से कूदकर फरार हो गया। दरोगा की पिस्तौल लूट फरार हो जाने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में जिले के सभी थानों की पुलिस फोर्स के साथ जंगल में घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर दरोगा की पिस्तौल बरामद की गई है। शातिर बदमाश था सुनील करके, जो कि गैंगस्टर में वांछित चल रहा था 2016 से, जिसकी कुर्की की जा चुकी थी लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण इस पे इनाम घोषित था। इस शातिर बदमाश को जब SO बनियाठेर अपनी टीम के साथ गिरफ्तार करके ला रहे थे, तो यहाँ से गुजरने के टाइम पर ये बदमाश जो है SI प्रबोध की पिस्टल लेकर यहाँ पे कूदा और गन्ने के खेत में घुस गया, जिस पर उनके द्वारा पहले तो घेराबंदी की गई इस आशय से कि मतलब ये निकलने न पाए, और जनपद से अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग की गई। आसपास के समीपवर्ती थानों को यहाँ भेजा गया, घेर कर जब उसको कॉम्बिंग स्टार्ट की गई तो अंदर से उसके द्वारा फायरिंग की गई। बाद में पुलिस द्वारा भी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। दो पुलिसकर्मी भी SO बनियाठेर और SI प्रबोध के भी गोली लगने से चोटिल हुए हैं। मजरूब और पुलिसकर्मी दोनों जो है उपचार के लिए अस्पताल भेजे गए हैं चंदौसी, और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो पिस्टल लेके भागा था वो भी बरामद कर। इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? इसका आपराधिक रिकॉर्ड ये चोर और लूट केस पर मुकदमे हैं, बाकी इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास जो है ज्ञात किया जा रहा है। प्राथमिक सूचना के अनुसार इस पर गैंगस्टर और चोरी के मुकदमे हैं और इस पर इनाम घोषित है।